content, content, content. I don't chase it. I avoid. But content chases me. So I can't avoid. So भाई लोग, बड़े दिनों से आप अपने आसपास की हमारी ये वीडियो देख रहे थे, कोई पाकिस्तान का मैच, गोलगप्पा चैलेंज, कभी कुछ। आप अभी तक हमें देख रहे थे, हमें जान रहे थे, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेके चल रहा, यहाँ से एक ट्रिप की स्टार्टिंग हो रही जहाँ पे आपको मुझसे ज़्यादा जगह को देखने में मज़ा आएगा। वैसे आप मुझे भी देख सकते हो क्योंकि नज़ारे दोनों ही खूबसूरत होंगे, ठीक है। तो आज मैं आपको अभी जगह नहीं डिक्लेयर करता, रास्ते में चलता हूँ, लेकिन मेरी अभी ट्रेन है 8:40 की और 8 बज चुके हैं। सो वी आर गोइंग ऑन अ ट्रिप, लेट्स गो। इसे भी लेके जा रहे हैं, इसी हरकतों की वजह से लेके जा रहे हैं, इसी की वजह से छोड़ना चाह रहे थे, फिर पर लोगों ने कहा नहीं ये तो चाहिए ही है, तो इसे भी लेके चल रहे हैं। अपना एक ट्रायो तीसरा जो बंदा है वो मिलेगा रेलवे स्टेशन पर ही, अगर वो ट्रेन पकड़ पाया समय से, क्योंकि वो रनिंग लेट चल रहा है ट्रेन से भी ज़्यादा। सो सी यू देयर, मिलते हैं आपसे फटाफट वहीं जाके। मर जाएगा रे। क्या नंबर है पंडित जी? आगे भाई फाइनली, क्या टाइम हो रहा है, कितनी मिनट रह रही? देखो 3 मिनट 4 मिनट पहले पहुंचा मैं, 8:36 पे पहुंचा और अब आया है। देखो भाग भाग के थक रहा मेरा भाई, ऐसे भाई पैर काँप गए थे, मैं तो नाश धोखा दे दिया था भाई। आते ज्यादा भर रहे हैं कि कैसे कैसे होगी सिम, कैसे कैसे यार, चिंता ना करो, 2 घंटे में अपनी तो ऑब्वियसली है। और की प्यार से बोले ना, कहूंगा स्टैंड अप प्लीज भाई। 24 घंटे का सफर है, तो आज का तो सारा दिन, सारा आज आपको ये देखने मिला है भाई, सब मोड ऑन हो चुका है। ये स्लीपर क्लास है भाई, मैंने सोचा होगा 16-18 घंटे का पहुंच जाए, तो रात को ही उतरेंगे वहां पे जाकर। तो आज सारा दिन ट्रेन में आनंदार गेम। वैसे मैं पत्ते भी लेकर आया, पत्ते ले आया, 3 का भी खेल लेंगे। हाँ 3 पत्ते खेल लेंगे, 3-2-5 खेल लेंगे, कोई मिल गया तो अत्ती वाला उसे भी खिला लेंगे। आंटी बैठी अभी आया, यो इसने एक जाइंट बोतल ले रखी, तो अभी स्कैनिंग कर रहा था ना, स्कैन हो रहा उसमें एक्सीडेंट, तो क्या कहा उसने फिर, इतना ये बड़ा बड़ा क्या है। तो भाई सफर शुरू हो गया, बैठ के ट्रेन चल पड़ी। जो है वो बोतल दिखा सी थी, खड़ी करके देख, हाफ कैंप पर है, पूरे हफ्ते का पानी चला इतने में हमारा, 100% गांव में नहा भी बच जा, फिर भी पानी खेत में सिंचाई भी कर सके। नासिक में कुछ भी तो दिक्कत नहीं, किधर भी नहीं, ठीक है। किधर भी आया तो मेरे पास दिरात पहुंच गया, नंबर ले लिया, ठीक है नंबर ले लिया, ले लिया ले लिया, एडवांस है, चलो नासिक वाले की टिकट है ना, कभी यहाँ पिट हुआ, ठीक है। अरे ठीक है, देखा क्या अपना नाम बताओ आप? कृष्णा। क्या है? कृष्णा कृष्णा, अच्छा अच्छा, हैप्पी जर्नी, अच्छे से घूम के आना मथुरा, ठीक है। राइट आ रहा मथुरा पहुंच चुके हैं भाई, पावन धरती पर श्री कृष्ण की जय, श्री कृष्णा राधे राधे। अभी ये जो साथ में थे, अभी देखा होगा आपने ब्लॉग में, सफ़र में ये वहीं के थे नासिक के, तो काफ़ी बातचीत हुई, उन्होंने काफ़ी गाइड करा, अपना नंबर भी दिया। तो अगर आपको ऐसा कोई मिले पहले तो ट्रस्ट ना करो, करो बट वेरीफाई ज़रूर करो, तो किसी की बात तो मैं एकदम नहीं आना, पर कोई हेल्प कर रहा तो ले लेनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अब रात होगी, अब जब बस खा पी गए मैं सोने जा रहा, आपको मिलूँगा डायरेक्ट सुबह। तो भाई अभी इनसे बातचीत चल रही थी कि ये कहाँ कहाँ घूम का है, तो ये उधर से इधर घूमने आ रहे थे, हम इधर से उधर जा रहे हैं, तो ये घूम का है अमृतसर, जम्मू, ये सारी जगह घूम का है। तो मैंने ऐसे ही उत्सुकता से पूछ लिया कि इधर के लोग कैसे लगे, तो बोल रहे बड़े आराम है, हमारे 2 फ़ोन चोरी कर लिए दिल्ली में। मैंने कहा ठीक है गुड नाइट, बाद में बात करेंगे, मेरे सोने का टाइम हो गया। भाई प्लीज़ ऐसा ना करो, कोई अगर चोर मेरी वीडियो देख रहा तो मेरी ओडिया स्पेशली द लेडी वाले, प्लीज़ ऐसा काम ना करो। तो भाई पूरी आ गई, सब्जी अपने पंडित जी लेके आए थे, थैंक यू पंडित जी फॉर द फूड, होल्डने के लिए आए, अब बैठ के थोड़ी देर खाना खाते हैं। तो भाई आगरा आ गए, सोए तो यानी आपको गुड नाइट तो करती थी, ये आगरा स्टेशन, बस अब आगे निकलेंगे, वैभव गया पानी भरने के लिए, काफ़ी ठीक जा रहा अभी तक तो सफ़र, बाकी देखते हैं, स्टे ट्यून्ड,
सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें, करते रहें। जय हिंद। कैसा लग रहा अभी तक तुमने जी? बढ़िया, सफर हमारा बहुत अच्छा रहा। 24 घंटे का सफर है अभी तो। अभी तो बहुत सारे मनोरंजक आदमियों से मुलाकात होगी। एक बाबा जी है हमारे। बाबा जी आए चलते हैं। क्या कैमरा हाय कद्दू, ये अपने टीटी अंकल जी हैं, मिले हमें रास्ते में। यूट्यूब पे आओगे आप? यूट्यूब पे डाल दो। मैं सारी ट्रेन का माहौल बनाते हुए जादू है नशा है। इसका जब मोल मना बब्बा ताक में गट्टा ताक में नहीं है बब्बा देखा लग रहा है ये टीचर हो रहा मेमोरी कार्ड है आ शेर शेर ही है क्या ये मारा का भाई चल मैं अपनी पोजीशन ठीक कर लो पता लगे तो लटका तो तन्ने भी रखी खुश ज्यादा खुश ना हो गए दम तो मेरे में दम नहीं तेरी में दम नहीं चाहिए तभी तो दम भरा रहा अरे देख ले कभी अपने पर नाम इनने दम धर रखा हो झांसी की रानी कहाँ पे है झांसी की रानी झांसी में गुड यही फ्लैट सी है मेरे भाई पर्स दे रहे थैंक यू भाइयों गुड नाइट गुड मॉर्निंग गाइस 6 बज गए अभी सुबह के सब सोए हुए देखो लोग अभी मुझे तो नींद आ नहीं रही यार मैं तो 1.5 घंटे सोया और रात को मैं सोता ही नहीं जनरली तो इस वजह से मेरी आदत खराब हो रही तो मुझे नींद आ ही नहीं रही अब मैं सोच रहा मैं नीचे जाके इन्हें भी उठा दूँ क्योंकि ना खुद सो ना और को भी सोने दो यही तो है जिंदगी का रास्ता तो नीचे जाके सोच रहा है था बाहर देख लूँ कैसा हो गया मौसम सोच ले लूँ सिनेमैटिक्स ले लूँ कुछ गुड मॉर्निंग पंडित जी एक पंडित जी है जो मेरे साथ जाग रहे बस बाकी वो तो देखे बहस सुबह सुबह सूर्य नमस्कार करते हुए करते करते जो ऊपर उठ जा ज़्यादा जोर ना दे बस पेट पे ना ना मेरी तरफ से भी गुड मॉर्निंग और क्यूट बनाइए सुबह सुबह क्यों अभी क्यूट बनना आप लोगों को क्यूट बनने के तरीके सिखवाऊंगा आज मैं अपने भाई ने इन्वेंट कर रखे हैं मेरे ठीक है आज एक बार बाहर चलते हैं देखते हैं बाहर कैसा माहौल हो रहा एक बार मेरी ऑडियंस को क्यूट बन के तो दिखा दे नहीं तेरा वर्जिस का भी तो टाइम हो रहा तेरे पे तो भाई सन किस कर रहा पूरा का पूरा ट्राइपॉड मेरे को असिस्टेंट ब्लॉगर का है क्या ओ फ्लैंक ओ तेरी इतना कितनी देर में ऑडियंस का जी ललचा देगा बताना प्लेट्यू और माउंटेन में क्या फर्क है माउंटेन तो भाई हाई पीक हो और प्लेट्यू छोटे पीक हो प्लेट्यू ऊपर से सपाट हो अर्थ माउंटेन नुकीला हो मैं बताऊँ माउंटेन का सीपीओ क्लियर हो जाएगा प्लेट्यू का नहीं होनेगा ये बीसू वाला जोक था कमिंग ऑन ट्रिप विद अ ब्लॉगर फर्स्ट मिस्टेक ऑफ माय लाइफ करंट तो पाँच रुपए लगेंगे एक्सपीरियंस मस्त रहा 12 घंटे में 12 वैरायटी के लोगों से मिल गया और 12 तरीके के जोक्स देख लिए मैंने और क्यूट बनना मेरा ट्रिप का अल्टीमेट मेरे माँ बाप ने मुझे पैदा इस दिन के लिए करा था अम्मा अम्मा मुझे वैभव क्यूट बनना सिखाओगा मेरा भाई आज अब देखिए मुझे इसमें भी कैमरे सूर्य नमस्कार देखिए देख
देख सूर्य सूर्य को सन किस करती अब तक तो सन को किस देख हमारी निगम बड़ी को बड़े दर दर रख एटीट्यूड निगम होना चाहिए यूवी रेडिएशन वापस भेज दी रूल्स नहीं कुछ ही सा एक लड़के की बस एक बात अच्छी लगी मुझे क्या काम पे फोकस करना है जब काम करना है जाके 12 साल की उम्र से काम कर रहा था तो क्या कर रहा था 12 साल की उम्र में जो आज कर रहा क्या डाली क्या भाई आप क्या कर रहे थे 12 साल की उम्र में वो 12 साल की उम्र से काम कर रहा भाई हम तो जूते खाए थे अपने बाप के रोटी नहीं मिली थी पढ़ाई लिखाई के अलावा क्या पढ़ाई लिखाई हाँ पढ़ाई लिखाई कब करी थी हम अपने जमाने के टॉपर रहे हैं ये जींद के जो हरियाणा में पेपर लीक हो जाए ना उन स्कूल के टॉपर है वो भी टैलेंट है ओके मुझे लगा उसका करप्शन क्या है पर चलो हाँ हाँ नीचे आ जाओ ऊपर दिख नहीं रही तेरी शकल काला ही तू आ रहा काला ही गोया है अभी आ रही हो वीडियो में या अभी आ रही हो आ जा वीडियो में आ जा भाई सफर के 14 घंटे हो गए और अभी तक धूप निकल गई देखो सामने ठीक है हम अभी कार्ड वार्ड खेल के बस बैठ गए भाई अब खाना वाना खाएंगे और आगे सफर पे बताते रहेंगे अभी कार्ड्स तो आपको क्या ही दिखाते हैं वैभव पवार की शक्ल देख लो आगे कैसी हो रही कैसा एक्सपीरियंस रहा 14 घंटे का किंग भी रहा किंग तो तू 2 मिनट रहा 2 मिनट का तू है नायक है तू अनिल कपूर है नायक का एक दिन का प्रधानमंत्री है तू पंडित जी प्लेट टू आगे प्लेट टू प्लेट टू इस जर्नी का बस एक ही मेन फोकस है वो है प्लेट टू जहाँ भी प्लेट टू देखो क्या बोलना प्लेट टू तो अभी मौसम ने अंगड़ाई ले ली है अब थोड़ा सा सुहाना तो हो गया है पहले से तो भाई अभी आगे मालगाड़ी के साइड में चल रहे देख लो फ्रेंड्स उसके पीछे प्लेट टू है जो आपको नहीं दिख रहे साइड में इधर वाले नहीं दिख पाने के क्योंकि इधर एक चीता बैठा हुआ गेट पर मैं मान ही ले जा सकता हूँ मुझे पकड़ लेगा तुरंत फोटो खींचने के लिए ठीक है भाई लोग पठार शुरू हो गए मतलब कि हम लैटिट्यूड के बीच में पहुंच चुके हैं नासिक के करीब अभी तो मतलब काफ़ी टाइम लगेगा रात तक पहुँचेंगे लेकिन नज़ारे देखने लायक है काफ़ी जंगल वंगल भी है तो आपने देख ही लिया होगा ये एसी वाले कोच में कैसे भाई मैंने अपग्रेड करवा लिया अपना टिकट और आपने पंडित जी सेम है भाई सेम और मैं गरीब आसिक पड़ा था भाई अभी चुपचाप बता दूँ एसी वाले डिब्बे में शिफ्ट हो गए बिना किसी को गए भूल चूक लेनी देनी और जो किसी ने कुछ कहा तो फिर देखो भाई क्या कहा क्या नहीं कहा सुन लेंगे वापस चले जाएंगे जी भाई 3:30 होने वाले अब हमारा सिर्फ 4.5 घंटे का सफ़र और रह गया लगभग और हम 19:30 घंटे से चल ही रहे मतलब हमने चल ले रेल चल ली हम तो बैठे ही हैं मैंने 3 घंटे की नींद भी ले ली अब आगे क्या करना क्या नहीं यहाँ पत्ते खेल लें गरीब को देखो एसी में आया ना आदत नहीं है ना गरीब को पैसा मिल जाए तो खपता नहीं तो एसी वाला कोच खप नहीं रहा चद्दर ओढ़नी पड़ रही पचोरा जंक्शन पहुंच गए भाई लोग ये मेरे दो बड़ी चिपचिपाट फील हो गए देखो पत्ते में आने के बाद कैसी हो रही तेरी शक्ल भाई लगभग 6 बज गए 2 घंटे का सफ़र और रह गया 2 घंटे के बाद शायद मैं आपको बताना भूल गया हूँ हम नासिक जा रहे हैं 10-50 रुपये यार वैभव कंटेंट बता तो दिया था टिकट चेकिंग में वैसे है कि वहाँ पहुँचने वाले पर वैसे नहीं बताया था मैं जाने वाले कोई बात नहीं अलग से कर लेते हैं क्या 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 होगा अगर आपको आना सोच रहे इधर अगर आपकी इच्छा होगी व्लॉग्स देखने के बाद तो नई दिल्ली से ट्रेन है 24 घंटे लेती है 750 रुपये का स्लीपर का टिकट है और 990 या 1000 के करीबन 650 का वो तत्काल में हमें 750 का पड़ा वैसे 650 का है और एसी का शायद कुछ 950 और 990-1000 के आसपास है वो मैं कंफर्म नहीं हूँ आप चेक कर लेना अपने बजट के अनुसार तो बाकी आप सफ़र देख ही रहे होगे 24 घंटे होने वाले थोड़ी बहुत देर में हो जाएंगे ट्रेन ने हॉर्न दे दिया चलते हैं अब थोड़ी देर अंदर सिंपल सा तो ये है वो कहते हैं कि रूम फ्री है लेकिन तुम्हें तो दक्षिणा में कुछ देना पड़ेगा क्या देगा ये भी कोई पूछने की बात है सबको पता है इसका आंसर अक्का मुंबई जानता है क्या मिलने वाला है तो भाई लोग फाइनली डिबोर्ड
एट नासिक स्टेशन। चलो थोड़ा जल्दी करते हैं, आप पता कुछ है नहीं कहाँ जाना क्या करना, क्योंकि यही एडवेंचर है। तो मैं लगा होगा मैं कहीं घूमूंगा, नहीं मैं सिर्फ यहाँ घूमूंगा। मेरा डायलॉग चुना। तो भाई है 266 नंबर, यहाँ से अभी स्टेशन से निकल के सीधा हम बस में चढ़ रहे हैं यहाँ। टिकट भाई पूरा हिंदी में छाप रखा, वो पर हिंदी मतलब कि हमारे यहाँ तो जहाँ हिंदी भाषा है मूल भाषा वहीं नहीं बोली जाती, यहाँ बोल रहे भाई। एक बात और, आप बस स्टैंड से अगर टाइम से आ जाओ हम तो लेट हो गए, 9 बजे तक आए। अगर आप टाइम से आ जाओ तो 245 नंबर की बस चलती है, याद रख लेना 245 सीधा त्रिम्बकेश्वरी उतारती है। लेकिन अब हम लेट हो गए तो हमें थोड़ा सा चेंज करके जाना पड़ेगा दो बस। अब जो बस रहे हैं कहाँ से कहाँ का लिया टिकट हमने, सेंट्रल बस स्टैंड तक का, वहाँ से चेंज करेंगे तो वहीं चलता हूँ। तब तक के लिए देखता हूँ पुणे शहर कैसा लग रहा है यहाँ से देखने में, साइड से कुछ खास नहीं है, हमारा वाला ही ठीक लग रहा है। तो भाई जस्ट उतर गए TVS, TVS ही तो है ना, CBS, CBS सेंट्रल बस स्टैंड। तो अभी वहाँ 27 रुपए लगे एक बंदे के, टोटल 81 लग गए 3 बंदों के। अब बताया उसने लेफ्ट में मुड़ के, भाई यहाँ तो मुझे अंधेरा नहीं नहीं अंधेरे में अच्छा खड़ी तो वहाँ से उतर के CBS से जरा सा लेफ्ट में मुड़ते हैं, अंदर बस स्टैंड है यहाँ पे खड़ी। तो बस देखते हैं अब जाते हैं क्या कितना किराया लगता है क्या रहता है सफर में आगे। आई विल अपडेट यू टाइम टू टाइम। यहाँ सारे नंबर भी हिंदी में लिखे हुए सब जगह हिंदी। भाई मुझे ये बड़ी अच्छी चीज़ लगी कि यहाँ सारी चीज़ हिंदी में है, मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ इस चीज़ से। जहाँ देश की राजधानी और जहाँ बोली मात्र हिंदी है, जो मेन बोली हिंदी है, वहाँ हिंदी नहीं लिखी भाई मिलती हर जगह। और 135 रुपये लगे तीनों के, 45 रुपये सबके, मतलब कि पूरा अगर हम देखें रेलवे स्टेशन से लेके त्रिम्बकेश्वर तो 45 + 27 = 65-72 रुपये, 72 रुपीस लगते हैं। तो भाई लोग अभी उतर गए इस बस में से अपनी, ये बस जाल लग रही। ये कहाँ आ गए हम, श्री गजानन महाराज संस्थान सेवा सेगांव, यहीं रुकना क्या हमें पता नहीं, बात करनी पड़ेगी इंक्वायरी के लिए आगे जाएं। तो भाई लोग यू है आश्रम बना, तो यार ज़्यादा बड़ा रखा, ज़्यादा सेक्सी बना रखा यार ये तो। 5,000 कह दो अप्रोक्स, ठीक है। तो भाई ये तो 5 स्टार से लग रहा यहाँ मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट की तरफ से 35 रुपये की थाली है। अच्छा, और खाने की पूरे कितना खाओ, शायद कितना ही खाओ लेकिन ऐसा ही तुम्हारा 35 रुपये में तुम्हारा पेट भर जाएगा। अच्छा, तो ये सुविधा बहुत अच्छे, साफ सुथरे कमरे और आश्रम है, देखो कितना ब्यूटीफुल है। नहीं तो ब्यूटीफुल तो है यार साफ, मुझे इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कितना साफ होगा। यहाँ तो फैमिली रुक रही, ये तो दिक्कत है, फैमिली रुकती है यहाँ ये प्रॉपर। वैसे तो सोल पर्पज यही है फैमिली रुकवाने का, लेकिन रिक्वेस्ट करने से क्या पता हमें भी मिल जाए, हम भी तो फैमिली है भाई। देखते हैं भाई बना तो देखो कितना साफ सुंदर, अगर कोई फैमिली के साथ आ रहा तो यहाँ रुक सकता है, हमें पता नहीं, हमें रुकने नहीं देंगे। चलो लेट्स सी। तो भाई लोग अभी यहाँ पे देख रहे थे रूम, हमें तो मिला नहीं, लड़कों को नहीं देते रूम, बाकी रूम डीलेक्स वीलेक्स के 350 है पंडित जी, 350 रुपये है। आप अगर फैमिली के साथ आओ, माता पिता या फिर सिस्टर बहन बाप बेटा, लड़कों को भाइयों को नहीं देते हैं। आज के ज़माने में लड़का होना इतना बड़ा पाप हो गया है, बहुत बड़ा। पर तो भाई अभी डिसाइड हुआ, रात के हो रहे अब जब 10:30-11 और बारिश भी शुरू होगी, तो हम यहीं रुक रहे हैं डोरमेंट्री में। 60-60 रुपये का एक हॉल है पूरा का पूरा, उसमें पर बेड मिलता है, कल जाके कहीं होटल वगैरह में रह लेंगे। और फैमिली के साथ आओगे तो फैमिली के साथ आपको मिल जाएगा, खाना वाना भी फ्री है। तो मान लो 180 रुपये में पूरी रात हमें बेड वेड सही से सोना और खाना पीना अच्छे से मिल जाएगा। सो इस वजह से हमने यहीं रुकने का फैसला किया। चावल आ गए भाई 60-60 रुपये में, खाली खाना और रहना। किस्मत देखो बस तुम, अभी हम उस हॉल में थे नंबर 1 में, लेकिन हमारे बेड गलती से किसी और के दे दिए गए, मतलब हम थोड़ा लेट आए खाना वाना खा के, तो अब उन्होंने हमें रिप्लेसमेंट में पूरा हॉल किया।
कोई नहीं, क्या करोगे फाइव स्टार में, पूरे हॉल अपने गद्दे, कहीं कुछ करो, कहीं कुछ करो, एंजॉय करो, सब अपना ही तो है भाई। तो यह डोरमेट्री सिस्टम, गद्दे वद्दे भी ठीक दे रखे, एक ही चादर दे रखी ओढ़ने के लिए, तकिए वकिया पीलो सब दे के रखे, तो सही हिसाब दे रखा, मात्र 60 रुपये में। और रात का खाना भी, सुबह का टोकन कटेगा शायद 15-20 या 30 रुपये का, वो मैं आपको सुबह ही बताऊँगा। अब फिलहाल होगी रात, तो मैं जा रहा सोने, और काफ़ी थक गया, 24 घंटे का सफ़र था, और कल भी घूमने जाना, तो सुबह जल्दी भी उठना। तो एंडिंग दिस व्लॉग, मतलब दिस डे एंड दिस व्लॉग है, नया व्लॉग करेंगे कल से शुरू, और जो भी इन्फॉर्मेशन होती रहेगी मैं देता रहूँगा। और शर्त लगा के अगर कोई मुझे इससे सस्ता रुक के और इतनी अच्छी क्वालिटी और अच्छी फैसिलिटी में रुक के दिखा दे, मैं अपना नाम बदल दूँगा, चैनल छोड़ दूँगा, यूट्यूब चैनल। पंडित जी इससे सस्ता तो नहीं है बात है, कभी मुझे सबसे इसकी अच्छी इसकी जो खासियत है यहाँ पे साफ सफाई, बस यही सबसे बड़ी पॉइंट है, आदमी को शांति मिल रही है, साफ सफाई मिल रही है और अच्छा भोजन मिल रहा है, बस यही चीज़ है। और भाई बैचलर्स के लिए तो यही हो, जब कमाओगे कभी तब वहाँ रुक जाएंगे, या चैनल मोनेटाइज हो गया तो तब महंगे में भी रुकेंगे, ठीक है, हो सकता है परसों कोई रुक जाए, तो यू नेवर नो। मिलते हैं, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।